हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पोर्ट सक्सेस। 22 मार्च को एक मायूस्ट एम्बिस देखा गया छत्तीसगढ़ में, जहां पर हमारे 17 आर्म्ड पर्सनल मारे गए। यह एक बरिंग साइन है इंडियन गवर्नमेंट या कम्युनिटी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी ऑफ द स्टेप ले रही है नक्सलिज्म को सॉल्व करने के लिए, फिर भी यह अटैक देखा गया। चलिए हम इस टॉपिक को एनालाइज करते हैं कि नक्सलिज्म है क्या, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है और हमको और करने की क्या ज़रूरत है। दीज 17 सिक्योरिटी पर्सनल वर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स एंड स्पेशल टास्क फोर्स। यह स्पेशल फोर्स है फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में, जो गवर्नमेंट ने बनाई है टू टेकल नक्सलिज्म। यह एक बिगेस्ट माओस्ट अटैक है आफ्टर 2017 इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर 24th CRPF पर्सनल मारे गए थे। अगर हम देखें तो मई 2019 में एक कॉन्ट्राडिक्ट्री न्यूज़ निकल कर आई थी। कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट है जो बस्तर डिवीजन में, उसने टॉप किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। और अभी यह न्यूज़ निकल कर आई है जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमारे 17 पर्सनल मारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो मोर इंक्लूसिव होनी चाहिए और एफिशेंटली हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट भी आप देख सकते हैं मैप में, सुकमा डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रीम साउथ पर है, देन दंतेवाड़ा, बस्तर, देन कोंडागांव। 2017 के बाद फ्रेंड्स यह मेजर अटैक हुआ है, देयरफॉर इट रीइंफोर्सेस द सस्पिशन दैट रिलेटिव काम इज मिसलीडिंग। यह एक बरिंग साइन भी है गवर्नमेंट के लिए और पॉइंट आउट करता है हमारी टैक्टिकल इनकंसिस्टेंसीज, क्योंकि 21 मार्च को 17 पर्सनल मिसिंग हो गए थे एंड आफ्टर दे वर रिकवर्ड दे वर फाउंड डेड। और यह फर्दर सजेस्ट करता है कि बस्तर रीजन नीड्स प्रायोरिटी एंड एफिशिएंट हैंडलिंग। CPIM या CPI माओस्ट आर ऑफन रेफर्ड टू एज नक्सलाइट्स। इनका नाम इसलिए रखा गया है बिकॉज 1967 वेस्ट बंगाल में नक्सल वारी विलेज में सबसे पहले माओस्ट अटैक देखा गया था। पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी PLGA एक आर्म्ड विंग है CPI माओस्ट की। नक्सलिज्म को फ्रेंड्स 3 मेजर फेजेस में समझा जा सकता है। फर्स्ट फेज आया था 1967-1972, जब फर्स्ट टाइम नक्सलवारी विलेज में माओस्ट अटैक देखा गया था, तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन स्टीपल चेस को चलाया था। जो लीडर थे चारू मजूमदार, उनकी डेथ हो गई थी। सेकंड फेज 1980 में आया, तब जब फॉर्मेशन ऑफ पीपल वॉर ग्रुप हुआ आंध्र प्रदेश में। 1990s में गवर्नमेंट ने कुछ ऑपरेशन चलाए और कुछ हद तक बीकन किया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। थर्ड फेज देखा गया 2000 में, जब पीपल्स गोरिल्ला आर्मी का जन्म हुआ। और इवेंचुअली 2004 में पीपल्स वार जो 1980 में बनाया गया था और माओस्ट कम्युनिस्ट सेंटर दोनों का मर्जर हुआ 2004 में, और CPIM या CPI माओस्ट का जन्म हुआ। फिलॉसफी यही है फ्रेंड्स, टू ओवर थ्रो गवर्नमेंट थ्रू आर्म्ड इंसर्जेंसी। नक्सलिज्म के इन्फ्लुएंस के अंडर जो एरिया आता है उसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है, जो हमने अभी इमेज में देखा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM का जन्म 2004 में हुआ था सितंबर में, हमने देखा, आफ्टर द मर्जर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पीपल बार्स ग्रुप एंड माओस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया MCCI। इनका एम है फ्रेंड्स टू ओवर थ्रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू पीपल्स वॉर। यह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड है बाय द गवर्नमेंट अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अगर हम करेंट स्टेटस देखें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, तो 19 डिस्ट्रिक्ट इन 11 स्टेट ऐसा कंसिडर किया जाता है कि दे आर अफेक्टेड बाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। और 30 डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें पर्टिकुलरली 7 स्टेट में, तो दे आर मोस्ट अफेक्टेड। इन 30 डिस्ट्रिक्ट में नियरली 88% वायलेंस इंसिडेंट देखे गए थे और 94 डेथ हुई थी इन 2017। लेकिन अगर हम देखें ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी से नंबर ऑफ वायलेंट इंसिडेंट कम हो गए हैं। 908 थे 2017 में। जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है वो भी श्रंक हो गया है कंसिडरेबली। अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें इन 11 डिस्ट्रिक्ट का, तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं एज पर द गवर्नमेंट जिनमें आर्म्ड एक्टिविटी डायरेक्टली देखी जाती है, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन कुछ ऐसे भी डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रेंड्स जहाँ पर इन आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है या कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा। गवर्नमेंट ने माओस्ट कॉन्फ्लिक्ट को 3 मेजर एरिया में डिवाइड कर रखा है।
कुछ एरियाज हैं जो हाईली अफेक्टेड है, देन मॉडरेटली अफेक्टेड जो येलो कलर से शो किए गए हैं, और मार्जिनली अफेक्टेड ग्रीन कलर से शो किए गए हैं। नाउ नक्सलिज्म जो इंसिडेंट होते हैं क्यों होते हैं, उनको आखिरकार चाहिए क्या? वो क्लेम करते हैं कि दे आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ ट्राइब, और यह इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बेस्ड होती है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर थे माओ ज़ेडोंग उन पर। इनका इमीडिएट एम है फ्रेंड्स टू एकम्प्लिस न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इन इंडिया, और यह ओवरथ्रू करना चाहते हैं जो एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजी है जैसे कि इंपीरियलिज्म, फ्यूडलिज्म, ब्यूरोक्रेटिक कैपिटल, ओनली थ्रू आर्म्ड इंसर्जेंसी या प्रोटेक्टेड पीपल्स वार। इनका अल्टीमेट एम यही है फ्रेंड्स टू ब्रिंग कम्युनिज्म। अगर हम गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी देखें फ्रेंड्स सिंस 2015, तो नेशनल पॉलिसी कुछ एक्शन प्लान गवर्नमेंट ने लिए। दो टाइप की गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी को समझा जा सकता है, एक सिक्योरिटी और एक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में गवर्नमेंट रिडक्शन इन प्रॉपर्टी के लिए कुछ मेजर एक्शन ले रही है जैसे MSP, अदर स्कीम, PDS सिस्टम, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ले रही है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, बैंक्स, रोड्स एंड रेलवेज। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं या रेड कॉरिडोर एरिया भी डिक्लेयर करके रखा है फॉर द डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड, और उनको सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के अंदर कवर किया है। मींस जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको रीइंबर्स कर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। गवर्नमेंट ने कुछ सेंट्रल फोर्स मॉडर्नाइजेशन के लिए भी काम कर रखा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए भी अब स्ट्रेटजी डेवलप कर रखी है। 2017 में गवर्नमेंट ने एक समाधान स्ट्रेटजी को लॉन्च किया था, इसको 8 पिलर्स ऑफ फाइटिंग माओज़म के नाम से भी जाना जाता है। स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल एंड इंटेलिजेंस, इस तरह से 8 स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं 2017 में समाधान स्ट्रेटजी को लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स के बाद बावजूद भी कुछ हमको इंसिडेंट अभी रिसेंटली देखने को मिला छत्तीसगढ़ में, सुकमा और केरल में भी देखने को मिला था। तो क्या करने की ज़रूरत है हमको, क्या हम मिसिंग आउट कहाँ पर कर रहे हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को जो मेजोरिटी ऑफ द जो आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है जो अदर डिस्ट्रिक्ट में फैल रहा है, जो इनइक्वालिटी है इंडिया में, वो भी माओइस्ट के द्वारा यूज़ की जाती है टू प्रोपोगेट देयर प्रोपोगेंडा। एग्रेरियन क्राइसिस भी कंटिन्यू हो रहे हैं, यह भी एक कंसर्न की बात है। सिस्टमेटिक करप्शन एक सबसे बड़ा पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन है माओइज्म के बीच में या माओइस्ट के बीच में। गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए टू एनफोर्स ट्रांसपेरेंसी, और जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है उसको भी रिजॉल्व करना चाहिए। रिप्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल भी किया जाता है माओइस्ट अथॉरिटेरियन के द्वारा, और कुछ स्टेट एक्शन के द्वारा भी कभी रिप्रेशन देखने को मिला है जैसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से जो फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं, तो ट्राइबल जो पीपल होते हैं दे सी एज देयर वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। तो इसी आइडियोलॉजी को या इसी मौका का फ़ायदा उठाकर माओइस्ट अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर जब भी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है तो इट इज़ नेसेसरी टू इनकलकेट ऑल दिस आइडियाज़ इनटू द स्ट्रेटजी, तभी हम सिग्निफिकेंट तरीके से माओइज्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।